सदगुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा जी महाराज जी कल ही अहमदाबाद सत्संग घर पहुँच गए थे जी। सत्संग जी, आज बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी ने संगत को दर्शन दिए जी। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी जब दर्शन के लिए आए, उससे पहले बड़े ही प्यारे शब्द पढ़े जा रहे थे। शब्द थे कि करू बिनती दो कर जोरी, और एक शब्द था कि मैं बलिहारी गुरु चरणन की। सत्संग जी, आज अहमदाबाद सत्संग का माहौल बड़ा ही सुंदर था, और बाबा जी महाराज जी ने आज रतन टाटा सर जी के बारे में एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच भी दी, यानी कि कहानी भी सुनाई। क्वेश्चन आंसर के बीच में बाबा जी महाराज जी ने बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाई जी। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने अहमदाबाद में रतन टाटा की नैनो कार की सफलता की कहानी सुनाई जी। बाबा जी महाराज जी ने उदाहरण देते हुए समझाया, उन्होंने कहा कि हम हमेशा असफलता से सीखना चाहिए। जैसे कि नैनो कार बनाने में शुरुआती समय में यहाँ पर बड़ी ही असफलता हाथ लगी हुई थी, और कोई सीईओ ने रतन टाटा सर जी से कहा था कि यदि आप पहले से ही जानते हैं कि यह काम नहीं होगा तो आप इसे क्यों बनाते हैं। तो रतन टाटा सर जो कि वहाँ के हेड ऑफ थे, उन्होंने बदलाव किए, तो उन्होंने बैठक छोड़ दी और नैनो कार के साथ वापसी की। यह बाज़ार में बहुत ही उम्दा तरीके से वर्क करने लग गई थी और बहुत ही लोकप्रिय भी बन गई थी, और रतन टाटा जी ने भविष्य में फंड कंपनी भी, यानी कि फोर्ड कंपनी जो थी, उसे भी खरीद लिया। फिर बाबा जी ने कहा, तो बेटा असफलता से कभी हमें घबराना नहीं है। सत्संग जी, यह बहुत ही उम्दा स्टोरी थी, और यह एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट, या यूँ कह लो कि मोटिवेशनल बात भी थी। सत्संग जी, उसके बाद बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही उम्दा तरीके से सवाल जवाब किए जी, और संगत ने भी अच्छे अच्छे सवाल जवाब सुने और बहुत ही प्रसन्न थी जी। सत्संग जी, कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब हैं जो अहमदाबाद में बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए जी। उनके कुछ चुनिंदा जो वीडियो हैं जिनमें कि सवाल जवाब रहेंगे, वहाँ हम आप तक अगले वीडियो में जरूर पहुँचाएंगे जी। सत्संग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी